अपने देश के नागरिकों को दो वक्त की रोटी खिलाने के लिए पाकिस्तान इन दिनों कटोरा लेकर दर दर भटक रहा है, लेकिन कर्ज के बोझ में डूबे पाकिस्तान को मदद की आस में हर जगह निराशा ही निराशा हाथ लग रही है। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा 3 अरब डॉलर से भी नीचे गिर गई है। इस कारण पाकिस्तान को अब आर्थिक पतन से बचने के लिए कहीं से भी वित्तीय सहायता और बेल आउट पैकेज की सख्त जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी कोई मदद कहीं से नहीं मिल पा रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। ऐसे में पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसको कुछ कर्जा मिल जाएगा तो उसे राहत मिल जाएगी, लेकिन अफसोस कि करीब 10 दिनों तक IMF के साथ चली मीटिंग के बाद भी पाकिस्तान को कोई कर्ज नहीं मिल सका है। पाकिस्तान के सामने IMF की शर्तें। IMF का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। इसका काम वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा और दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। इसी कारण जब कोई देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा होता है तो IMF की ओर से उसे मदद की जाती है। आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को IMF से कर्जा इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि IMF की कुछ शर्तों को पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया है। IMF ने पाकिस्तान के सामने पहली शर्त रखी है कि अलग अलग टैक्स के जरिए पाकिस्तान पहले 170 अरब वसूल करे, क्योंकि उस पर पहले से ही 900 अरब डॉलर का सर्कुलर लोन है। IMF की दूसरी शर्त है कि पाकिस्तान निर्यात पर टैक्स को कम करे जिससे निर्यात बढ़े और विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त हो, और तीसरी शर्त है कि पाकिस्तान अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की कमी न होने दे। पाकिस्तान के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी होती जा रही है जो 9 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। पाकिस्तान में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान को IMF से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन यहां से भी पाकिस्तान को झटका लगा है। चीन के कर्ज तले पहले दब चुका पाकिस्तान। पाकिस्तान में पैदा हुए आर्थिक संकट के समय भी पाकिस्तान के ऊपर चीन का करीब 30 अरब डॉलर का कर्जा है। इसके भुगतान के लिए पाकिस्तान को चीन अब अतिरिक्त समय देने के बारे में नहीं सोच रहा है। पाकिस्तान के खजाने में अब विदेशी मुद्रा भंडार घटकर केवल 2.91 बिलियन डॉलर रह गया है। इससे पाकिस्तान एक महीने भी लोगों का पेट नहीं भर सकता है। पाकिस्तान के ऊपर ये पड़ी दोहरी आर्थिक मार है। देखा जाए तो पाकिस्तान में जैसे जैसे आर्थिक हालात बिगड़ रहे हैं, वैसे वैसे देश में खाने पीने की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में महंगाई दर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आर्थिक घाटा होने के साथ ही पाकिस्तान में रुपए की कीमत में भारी गिरावट देखी गई है, जिसे पाकिस्तान रुपए की कीमत 2020 में 1 डॉलर के मुकाबले 160.1 रुपए थी, वो 2023 में कमजोर होकर 269.27 रुपए हो गई है। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।